बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मज़ेदार सी रेसिपी है चिकन बर्गर, परफेक्ट चिकन पैटी रेसिपी, बिल्कुल सॉल्ट एंड पेपर स्टाइल चिकन बर्गर और कोसला, साथ में गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज। सबसे पहले 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज चॉपर में चॉप करके बारीक मलमल के कपड़े या किसी छाननी से चॉप किए हुए प्याज का इजाफी पानी निकाल लें। फिर चॉपर में हम 1 किलो चिकन का कीमा उसे शामिल करेंगे, साथ में 1.5 टीस्पून नमक उसे ऐड किया। उसके बाद 1.5 टीस्पून ही हम सुरख मिर्च पाउडर उसका शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर उसे ऐड किया, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर उसे शामिल किया, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 6 से 7 अदद चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें उन्हें ऐड करेंगे। चॉप किए हुए प्याज का पानी निकाल कर उसे भी शामिल कर देंगे। अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ताज़ा धनिया चॉप किया हुआ 4 टेबलस्पून। चॉपर को इतनी देर तक चलाएं कि तमाम अशिया मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएं। कोसला की तैयारी के लिए हमें चाहिए आधी गाजर जूलियन कट, बंद गोभी 1 कप बारीक कटी हुई, मायोनीज 1 कप, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। सबसे पहले बंद गोभी को उबलते हुए पानी में 1 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे और उसके बाद इसे स्ट्रेन कर लें। फिर मायोनीज में नमक, ब्लैक पेपर, उबली हुई बंद गोभी और गाजर को शामिल करके मिक्स कर लें। कोसला तैयार हो चुकी है, इसे साइड पर रख दें। पैटी को तैयार करने के लिए हमें इस तरह के सांचे की ज़रूरत होती है, ये मार्केट से आम मिल जाता है। आप चाहें तो हाथ से भी पैटी की शेप दे सकते हैं। सांचे को पहले ऑयल लगाएंगे, फिर चिकन मिक्सचर को इसमें शामिल करके प्रेस करेंगे तो पैटी की परफेक्ट शेप तैयार हो जाएगी। साथ में फ्रेंच फ्राइज की भी तैयारी कर लेंगे। पहले ग्रिल पैन में हल्का सा ऑयल लगा लें, उसके बाद इसमें पैटीज को फ्राई करें। पैटी की दोनों साइड्स को अच्छी तरह पका लें। पैटी तैयार हो चुकी है, तवे पर बर्गर बन को गर्म कर लें। फिर बर्गर की एक साइड पे मायोनीस और दूसरी साइड पे चिली सॉस को लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर पैटी को रखें। इस पर चीज स्लाइस, उसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस और कटी हुई आइसबर्ग रख दें, साथ में कोसला और गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।